एक्सेल में पढ़ेंगे चॉइस फंक्शन, CHOOSE। चॉइस मींस क्या होता है? पसंद। यहां हम सिंटेक्स देखेंगे इसका। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, CHOOSE चॉइस, और यहाँ हेल्प के रूप में हम देंगे पोजीशन, कामा, यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, डॉट डॉट डॉट, अपन कितनी भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे लगाया इक्वल साइन, हमने लिखा यहाँ पे चॉइस, यहाँ पे हमने बोला कि हमें एक नंबर की चॉइस देखना है, कामा लगाया, यहाँ लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, जैसे लिखा है रेड, इन्वर्टेड कामा बंद, ब्लू, इन्वर्टेड कामा बंद, ग्रीन, इन्वर्टेड कामा बंद। यहाँ पे क्या लिखा है? एक, तो आंसर के रूप में या आउटपुट के रूप में हमें रेड प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चॉइस। मान लो यहाँ पे हमने दिया है 4, और यहाँ पे दिया है मान लो इन्वर्टेड कामा में 4, कामा माउस, कामा मॉनिटर, कामा प्रिंटर। यहाँ अपने पास क्या लिखा था? 4, तो अपन को आउटपुट के रूप में प्रिंटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम पर और लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे सेल का एड्रेस देते हैं, इक्वल साइन लगाया, और हमने यहाँ पे दिया है चॉइस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला मीन्स हमें 6 पोजीशन वाला चाहिए है, कामा लगाएंगे। अब हमने यहाँ क्या दे दिया? A1 कामा, A2 कामा, A3 कामा, A4 कामा, A5 कामा, A6 कामा, A7, और हम ये ब्रेकेट को बंद करेंगे। अपन यहाँ देख रहे हैं कि छठवें नंबर पे क्या आ रहा है? फ्राइडे। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में फ्राइडे प्राप्त होगा।